मध्य प्रदेश में मां नर्मदा सिर्फ जीवन दायिनी ही नहीं है बल्कि सिंहासन दायिनी भी है। चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर सूबे की सियासत मां नर्मदा के सामने दंडवत हो गई है। कांग्रेस ने नर्मदा सेवा सेना का गठन कर सियासी फायदा उठाने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। कैसे? तो इसे गैर राजनीतिक संगठन कहा जा रहा है, लेकिन इसमें सियासी मकसद छिपा हुआ साफ नजर आ रहा है। अब आंकड़ों पर गौर करें तो नर्मदा का सीधा असर प्रदेश की 16 जिलों की 66 विधानसभा सीटों पर पड़ता है, यानी इन सीटों पर हार जीत का फैसला मां नर्मदा ही करती हैं। यही कारण है कि 2018 के चुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा की थी। इसका असर 2018 के चुनाव परिणामों पर, नतीजों पर भी देखने को आया था और अब एक बार फिर सियासी दल मां नर्मदा के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जुगत भिड़ा रहे हैं। क्या सियासी दलों की प्लानिंग और नर्मदा के सहारे सियासी वैतरणी पार करने का गणित? देखिए हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। वैसे तो मां नर्मदा का मध्य प्रदेश की 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर असर है, लेकिन जिन 16 जिलों की 66 सीटों पर मां नर्मदा का सीधा असर है वहां पर बीजेपी और कांग्रेस लगभग बराबरी पर। इन 66 सीटों में से कांग्रेस के पास 31 सीटें हैं और बीजेपी के पास हैं 34 सीट। एक सीट पर निर्दलीय विधायक है, लेकिन 2013 में कांग्रेस की ये स्थिति नहीं थी। बीजेपी यहां पर कांग्रेस से करीब 3 गुना ज्यादा सीटों पर। 2013 में इन 66 सीटों में से बीजेपी ने 49 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के हाथ आई थी महज 17 सीटें। माना जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पैदल नर्मदा परिक्रमा ने पूरा माहौल बदल दिया था और नर्मदा की कृपा कांग्रेस पर बरस पड़ी। इन सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी से 14 सीटें झटक ली और वो 17 से 31 पर पहुंच गई और बीजेपी को 49 सीट से 34 सीटों पर ला दिया। यही कारण है कि 2018 में कांग्रेस का 15 साल का वनवास खत्म हुआ और उसे दोबारा सत्ता नसीब हो गई। अब मां नर्मदा का असर किन सीटों पर पड़ रहा है, जरा उस पर भी नजर दौड़ाते हैं। अनूपपुर, यहां हैं 3 सीटें जिनमें से 2 कांग्रेस के पास हैं और 1 बीजेपी के खाते में। डिंडौरी, यहां पर 2 सीटें हैं और दोनों सीटें कांग्रेस के पास हैं। मंडला, यहां हैं 3 सीटें जिनमें से 2 कांग्रेस के पास और 1 बीजेपी के पास है। सिवनी, यहां 4 सीटें हैं जिनमें से 2 कांग्रेस के पास और 2 बीजेपी के पास। जबलपुर की 8 सीटों में से 4 कांग्रेस और 4 बीजेपी के पास। नरसिंहपुर की 4 सीटों में से 3 कांग्रेस के खाते में है और 1 बीजेपी के पास। हरदा की 2 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 1 भी सीट नहीं है, जबकि दोनों सीटें बीजेपी के पाले में। नर्मदापुरम की 4 सीटों में 4 बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 1 भी नहीं। खंडवा की 4 सीटों में से 4 बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास 1 भी नहीं। खरगोन की 6 सीटों में से 5 कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास 1 भी नहीं और 1 निर्दलीय के पास। बड़वानी की 4 सीटों में से 3 पर कांग्रेस का कब्जा है और 1 पर बीजेपी का। धार की 7 सीटों में से 5 कांग्रेस के पास है और 2 बीजेपी के पास। देवास की 5 सीटों में से 1 कांग्रेस और 4 सीटें बीजेपी के पास। सीहोर की 4 सीट में से कांग्रेस के खाते में 1 भी नहीं, चारों के चारों बीजेपी के खाते। रायसेन की 4 सीट में से 1 कांग्रेस के पास और 3 बीजेपी के पास। अलीराजपुर में 2 सीट हैं जहां से 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी के पास। तो ये तो हुई 16 जिलों की 66 सीटों पर मां नर्मदा के असर की बात। अब मौके की नजाकत और जरूरत को समझते हुए कांग्रेस ने अपना दांव खेल दिया है, चल दिया है। कांग्रेस ने नर्मदा सेवा सेना का गठन किया है। सीधे तौर पर तो इस सेना का काम नर्मदा संरक्षण का है, लेकिन कांग्रेस की सोच बहुत दूर की है। क्या है वो सोच, देखिए हमारी खास रिपोर्ट का अगला हिस्सा। नर्मदा सेवा सेना से ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा जो मां नर्मदा के संरक्षण का काम कर रहे हैं। नर्मदा सेवा सेना नर्मदा घाटों पर धार्मिक आयोजन करेगी जिसमें समाज को जोड़ा जाएगा। नर्मदा सेवा सेना इन 16 जिलों की सभी 66 सीटों पर सेवा यात्रा निकालने की भी तैयारी कर रही। नर्मदा में हम सब आस्था रखते हैं। हम
नर्मदा सेवा सेना हम बना रहे हैं। हमारे 28 क्षेत्रों में ये बनेगी जहाँ से नर्मदा गुजरती है, नर्मदा सेवा सेना, और वहाँ के हम सदस्य बनाएंगे कि हम सदस्यता अभियान शुरू करेंगे, लोगों को सदस्य बनाएंगे। इसमें कोई भी किसी भी तरह का किसी भी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति जुड़ सकता है, हमें किसी से कोई परहेज नहीं है, और जो है वो सहयोग कर सकता है माँ नर्मदा की सेवा में। उसके अंदर जो भी भावना है हम उसकी भावना का उपयोग करेंगे। पिछले चुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा की थी। दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी अमृता सिंह ने 143 दिनों की पैदल नर्मदा यात्रा की। दिग्विजय सिंह पूरे 6 महीने छुट्टी पर रहे थे। इस दौरान वो किसी भी राजनीतिक कार्यक्रमों और बयानों से भी दूर रहे। दिग्विजय सिंह की इस यात्रा की तारीफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी की थी। दिग्विजय की इस यात्रा का लोगों पर बड़ा असर भी हुआ था। ऐसा माना गया कि मां नर्मदा ने कांग्रेस को सत्ता दिलवाई। इससे पहले मुख्यमंत्री नर्मदा सेवा यात्रा पर निकले। ये सेवा यात्रा 2016 में शुरू हुई और 2017 में खत्म हुई। इन 148 दिनों की यात्रा में सीएम ने नर्मदा संरक्षण को लेकर कई घोषणाएं की, लेकिन वो कम ही मूर्त रूप लेती नजर आई। ना तो नर्मदा से रेत निकालने का सिलसिला रुका, ना ही नर्मदा में गंदे नालों का मिलना रुक पाया। नर्मदा की हालत समय के साथ और खराब होती जा रही है। इतना ही नहीं, नर्मदा किनारे पौधे लगाने की योजना में भी करोड़ों रुपयों का घोटाला हो गया। कांग्रेस की नर्मदा सेवा सेना इन मुद्दों को लेकर भी जनता के बीच जाएगी। तो ये विषय मध्य प्रदेश के अस्तित्व का है, इंसानियत के अस्तित्व का है, हमारे अस्तित्व का है। मैं तो सबसे अनुरोध करूंगा कि जो भी पत्रकार बंधुओं ने तो हमें ये फुटेज उपलब्ध कराई, तो सबसे अनुरोध करूंगा कि इस जन आंदोलन में भागीदारी हो और हमारा सहयोग करें। बीजेपी ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम को सियासी नौटंकी बताया है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस को चुनाव के समय ही धर्म याद आता है। इस तरह के कार्यक्रम सिर्फ सियासी कार्यक्रम ही होते। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में ही जमकर अवैध उत्खनन हुआ था। चुनाव के समय याद आई नर्मदा का कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ये वही लोग हैं जो लूटने खसोटने अवैध उत्खनन का धंधा चलने चलाने वाले लोग रहे हैं। ये केवल भटकाने और भरमाने का काम कर रहे हैं, लेकिन माँ नर्मदा के भक्त इनके भरमाने में आने वाले नहीं हैं और इन्हें करारा जवाब मिलेगा। अब माँ नर्मदा को प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है। माँ नर्मदा अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी तक जाती है। प्रदेश के 16 जिलों के 51 ब्लॉक, 600 गांव और 1107 घाटों से होती हुई 1077 किलोमीटर का रास्ता माँ नर्मदा तय करती है। नर्मदा के किनारे 290 मंदिर, 161 धर्मशालाएं, 263 आश्रम। मध्य प्रदेश में नर्मदा का असर बड़े पैमाने पर। हिंदू समाज इसे नदी नहीं बल्कि मां मानता है। यही कारण है कि नर्मदा की बात करने वालों को सियासी नफा जरूर हो जाता है। इस बार भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र और कांग्रेस के वचन पत्र में नर्मदा संरक्षण को कोर एजेंडे में शामिल किया जा रहा है। खास तौर पर कांग्रेस के वचनों में गाय, धर्म, मंदिर और नर्मदा को विशेष तौर पर शामिल कर बीजेपी के प्रमुख मुद्दों को अपना बनाने की कोशिश की।